मैं अपने व्यूवर्स को आज फिर कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमेशा की तरह आप सबका शुक्रिया जो कि मुझे अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं और जो कि मुझे देखते हैं, आज भी आपके लिए एक बात खास करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी इंटरनेट पर सर्च की, बहुत रिसर्च की, यहाँ तक कि अपनी नींदें भी हराम की, क्योंकि मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हमेशा उन लोगों के बारे में जहन में आता है जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हजीर भट्टी, राशिद मिनाद और भी बहुत सारे लोग हैं। अरे यार, अपने कैद आजम के बारे में सोचो यार, काफ़ी लोग कहते हैं कि उनने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन है आप तो नाशुक्रे करते हैं अपने मुल्क के बारे में कि हमारा मुल्क ऐसा है ऐसा है। अरे यार, एक महंगाई तो है, क्या हो गया? कैद आजम के बारे में सोचा कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत मेहनत की थी। जो समझदार लोग होंगे मेरी बात समझ गए होंगे, और जो बेवकूफ़ हैं वो कभी भी नहीं समझेंगे। अकलमंद के लिए हमेशा इशारा ही काफ़ी होता है। इसी तरह मेरे जहन में एक और मिसाल आई थी, एक बहुत अहम, एक महान शख्स के मेरे इस दिमाग में, मेरे इस दिल में ख्याल आया, जो कि पाकिस्तान के लिए हमेशा सोचते हैं, दिमाग में कुछ नोचते हैं, हमारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मुझे कसम है इस मिट्टी की, इस ज़मीन, इस सरजमीन की मिट्टी की कसम, इस मिट्टी की खुशबू की कसम, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। हमें अपने मुल्क के बारे में बताना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो प्यार होता है वो सिर्फ दिल में होता है, उसे बयान नहीं करना चाहिए। इसी तरह मेरे भी जहन में काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, जिनमें ख़ास इमरान खान। जब आप इमरान खान के बारे में सोचते होंगे अपने जहन में, आपके जहन में एक ही आएगा कि 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था। लेकिन मैं उनके वर्ल्ड कप जितवाने से उनका फ़ैन नहीं हूँ, मैं दिल से उनका फ़ैन हूँ। आप ये मत देखा करें कि किसी ने कुछ अर्से के लिए अच्छा किया तो हमेशा आपके लिए अच्छा होगा, नहीं। ये एक दिखावा भी हो सकता है, किसी ने आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा किया, आपने बहुत सारे लेसन, आपने बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी, आपको कुछ सबक मिला होगा। ज़िंदगी में कुछ सबक लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कुछ सबक लिए कुछ नहीं किया, ये बात बड़ी नहीं है। कि आपने ज़िंदगी में अगर कुछ सबक लिया है तो आप उसे कुछ सीखें, कुछ लोगों को बताएं, कुछ शेयर करें, अपने दिल की बात बताएं। क्या आप अपने पाकिस्तान को नहीं याद करते, जो कि लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क में? उन्होंने अपने खून की परवाह ही नहीं की, अपनी जान के पीछे लाखों लोगों की जान बचाई। क्या आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचते? अरे आप सब लोग सिर्फ पैसा 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 कुछ नहीं है, इंसान का ईमान है, इंसान की जान है। माना कि जी कुछ दौर की ज़िंदगी है, कुछ लम्हे, कुछ साल की ज़िंदगी है, लेकिन हमें इंसान की भी कदर करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की कदर करें तो वो सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। अब आपके जहन में आएगा कि सिर्फ 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया तो आप उनके फैन। अरे नहीं, बहुत सारे लोग उनके फैन सिर्फ वर्ल्ड कप से नहीं है, उनकी सोच, उनकी दिमाग, उनके दिल, उनकी इंसानियत, उनका इंसाफ ज़रा सबसे हट गया। जो लोग बोलते हैं वो कुछ नहीं करते, लोगों के दिल में भी कुछ होना चाहिए। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि आप कायदे आज़म के बहुत मशहूर बोला है, आपने सुना होगा, आप काफ़ी लोग कायदे आज़म को, अरे कायदे आज़म को पाकिस्तानी नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? कायदे आज़म का कहना है कि जो आप फैसला करो बस उसको करो, उस पर डटे रहो। इसी तरह इमरान खान पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत बड़े माने शख्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा अच्छा, लोग काफ़ी अच्छा सोचा है। अगर इंसान उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचता, बस सोचता है कि मुझे ये लोग सपोर्ट करेगा, मुझे यहाँ से पैसा आ रहा है, ये वो रहा है, ये इंसानियत नहीं है। लोगों के बारे में सोचना भी एक इंसानियत है, सिर्फ एक नोट, एक पैसा नहीं कुछ। अरे मैं तो आपको सिर्फ इमरान खान के बारे में कहना चाहूँगा, इमरान खान वो इंसान है जो कि पूरी दुनिया जानती है। और आप मेरे जहन में एक बहुत बड़े इंसान का नाम है जो कि दुनिया में बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनका भी कहना है कि इमरान खान उनके फेवरेट हैं, जो कि शाहरुख खान है, उनका भी फेवरेट इमरान खान है। लेकिन मैं उसके मतलब कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ वैसे, अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है ना तो आप इमरान खान को सपोर्ट करें। मुझे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, मुझे वो कोई सपोर्ट नहीं करे, लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। पता नहीं ऐसा क्यों है, और ऐसा है ही क्यों कि हर किसी को अपने वतन से प्यार होता है। अरे यार, आप पैसों के पीछे मत भागो, अपने वतन से भी प्यार करो। अपने वतन ने आपने जन्म लिया, ये आपकी माँ है, ये आपकी धरती है। इस मिट्टी की खुशबू अपने जहन में रखो, अपने दिल में, और इसको पसंद करो। दूसरे मुल्कों में मत जाओ, अपने मुल्क में रहो और इमरान खान को सपोर्ट करो। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है ना तो इमरान खान को वोट करें, उन्हें सपोर्ट करें। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छे लगते हैं, नवाज शरीफ भी अच्छे। ज़िंदगी में हर इंसान अच्छा होता है, उसमें एक खूबी होती है, उसमें एक खामी होती है। इमरान खान में भी
काफ़ी खूबियाँ, मे भी आप ये भी कह सकते हैं उनमें कोई खामी होगी, लेकिन उनमें ज़्यादातर खूबियाँ ही हैं। आप ये भी सोचते हैं कि कुछ इंसान कहते हैं कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे यकीन है जो वो बोलते हैं वो करेंगे भी। और मैं आपको मज़ीद नहीं आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, आप लोगों का भी काफ़ी कीमती वक्त है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में इमरान खान इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द पाकिस्तान स्पेशली। दुनिया उनको रिस्पेक्ट दे ना दे, पर मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा। हमारे मुल्क में इमरान खान इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तान, मे बी इन आल्सो इन द वर्ल्ड वाइड। तो अब मेरा राय ये है, मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें। और मेरी बस लास्ट बात ये है कि आपको मैंने बस एक बात देनी थी, आगे आपका जो दिल करता है आप वो करें, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा